अगले दर्शक ऋतुराज है बैंगलोर से हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार ऋतुराज जी, पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। एक्चुअली मेरा सवाल यह है कि मैं LPA होता है कैलेंडर ईयर में जी, और कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर। ओके, और इफ आई एम ट्रेवलिंग इन फरवरी, व्हाट इज आई हैव ट्रेवल इन फरवरी 2013 एंड आई हैव सबमिटेड माय प्रूफ इन दिसंबर 2013 एंड आई गॉट मनी आल्सो इन 2013 दिसंबर, सो इट इज टैक्सेबल इन द 2012-13 फाइनेंशियल ईयर और 13-14। ऑलराइट, ठीक है, जो कैलेंडर ईयर में ट्रैवल है और अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको, यानी कैलेंडर ईयर सेम रहेगा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, ऐसे में क्लेम कैसे होगा और टैक्सेबिलिटी वगैरह पर भी जानना चाहेंगे। आपने क्लेम ऑलरेडी कर दिया है राइट? क्लेम किया था लेकिन लोग बोल रहा है कि टैक्स नहीं होगा, इसको पहले वाला में चला गया। चलिए ठीक है, आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बलवंत जैन हमारे साथ है, आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट मत करिएगा। बलवंत साहब, जैसा इन्होंने बताया ट्रैवल डेट्स पे, आपको बताया फरवरी 2013 की ये बात है और इन्होंने क्लेम जो सबमिट किया था दैट वॉज इन दिसंबर 2013, कैसे इसको बताएंगे आप सिंप्लीफाई करके फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर? देखिए पल्लवी, जो LTA जो बेनिफिट है वो कैलेंडर ईयर के बेसिस पे होता है और आपकी जो सैलरी वगैरह है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे टैक्सेबल होती है। तो चूंकि आपने अगर ये खर्चा फरवरी में किया है तो आपका क्लेम आपको फरवरी में ही कर देना चाहिए था। अभी नेक्स्ट ईयर में कंपनी आपको क्लेम दे नहीं सकती क्योंकि ये जो पीरियड जो रिलेवेंट है LTA के लिए, आप जर्नी कब कर रहे हैं, तो अगर आपने मार्च 2013 वाले साल में क्लेम नहीं किया है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब कंपनी राइट है आपको रिफ्यूज करने में, परंतु अगर आप एक्चुअल जर्नी ही नहीं कर पाए, मतलब LTA का बेनिफिट है वो 4 साल के ब्लॉक पर रहता है, जैसे 13 को एक ब्लॉक खत्म हो गया, 2014 से एक ब्लॉक चालू हो गया, तो अगर उस साल में आप उस ब्लॉक में 4 साल के ब्लॉक में दो जर्नी पूरी नहीं कर पाते एक ही जर्नी की, तो वो एक जर्नी जो बाकी रहती है वो अगले वाले ब्लॉक में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो जर्नी अगले वाले साल में लेके उसका क्लेम कर सकते हैं। पर चूंकि आपने जर्नी तो 2013 वाले साल में और जो फाइनेंशियल ईयर 2013 मार्च में ली थी, तो अगर आपने क्लेम नहीं किया तो मुश्किल है मतलब आपको जो टैक्स एग्जम्पशन मिलना। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। मनाली से हमारे साथ गोपाल सिंह मौजूद है। नमस्कार मिस्टर सिंह, पूछिए एग्जैक्टली क्या सवाल है आपका।